देखिए, चूंकि मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं 100% खेत का पानी खेत में ही रोकने की क्रिया करता हूँ। तो पहले मैंने कहाँ से रोका, पहले मैंने पूरा पानी जो रोका तो उसमें का 10 सेंटीमीटर जो पानी हुआ तो उसका 30% नेचुरल फार्मिंग करने की वजह से जगह पे ही ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर बचा तो उसको ग्रिड लॉकिंग से, और तीसरा ये फिर अगर कुछ बह के जाता है तो ये एडीपी ड्रेनेज सिस्टम से किया। तो 10 सेंटीमीटर बारिश हुई कितने, दो घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश का एक बूंद भी खेत के बाहर बह के नहीं गया, तो उसका श्रेय जाता है ये एडीपी ड्रेनेज। आपको हमने इसमें बताया था वीडियो में कि हमने कैसे उसको लॉक किया है, उसके पीछे कैसे पत्थर लगाया, तो ये ट्रेंच ने देखिए अभी ये 10 इंच बारिश आके भी ये ट्रेंच खाली है, यानी ये पानी गया कहाँ, सारा ग्राउंड वाटर में। तो आज हमारा पानी 80% पानी ये डार्क जोन में चले गया है ग्राउंड वाटर का। तो हम ग्राउंड वाटर को चेंज करने के लिए पूरी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजियों को बदलने की ज़रूरत है, उसके साइंस को समझने की ज़रूरत है। वो साइंस को टेक्नोलॉजी को समझ जाएंगे तो ये पानी से हम अपनी पैदावार को कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पानी हर जगह को उपज बढ़ाने के लिए ये सहायक होगा। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये ट्रेंच में कैसे पानी रुक जाता है, लास्ट तक ये ट्रेंच भरे हुए। तो आप देखिए ये ताकत बनती नहीं है, 10 सेंटीमीटर बारिश हुआ और बह के नहीं गया खेत के बाहर, तो ये गया कहाँ, ये ग्राउंड वाटर। अभी हम लोगों ने सारे इसमें जो कार्य करने की प्रणालियाँ हैं वो देखी, तो एक पानी को रोकने की दिशा में, यानी क्रॉप के थ्रू हम सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप के थ्रू हम वाटर कंजर्वेशन जो काम करते हैं। देखिए अभी करीब 10 सेंटीमीटर के करीब बारिश हुई, लेकिन यहाँ 10 सेंटीमीटर बारिश यहाँ से बह के नहीं गया, क्योंकि हमने ग्रिड लॉकिंग को वहाँ पे लॉकिंग किया है, वो लॉकिंग की वजह से पानी जगह पे रुक गया। सारे जीवों के माध्यम से ये पानी को हम ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से ये रुका हुआ पानी ये बह के नहीं गया। अब मैंने कहा कि ये 10 सेंटीमीटर के करीब बारिश हुई, यानी हम लोगों ने यहाँ पे प्रति हेक्टेयर 10 लाख लीटर पानी इस तरह से हमने रोक लिया है। वो 10 लाख लीटर पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हुआ, 100 सेंटीमीटर बारिश होगी तो 1 करोड़ लीटर के करीब पानी प्रति हेक्टेयर हम यहाँ पे ग्राउंड वाटर में। अब इसका वैल्यूएशन क्या, ये अगर इसका डेटा निकाला जाए तो हम पानी के मामले में दुनिया में शक्तिशाली होंगे, आने वाले कल में पानी से माहिर होंगे ये कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे पानी रोकते हैं तो पानी ही पानी है हमारे पास, हमको बड़े डैमों की ज़रूरत नहीं। ये बिना कॉस्ट के, बिना लैंड एक्वायर किए हम ऐसे पानी को रोक सकते हैं।